ग्वालियर के जयरोगी अस्पताल समूह के कमला राजा अस्पताल में एक ऐसी महिला का ऑपरेशन किया गया है जो बीते 21 माह से अपने पेट में कैंची लेकर घूम रही थी। हालांकि शिकायत के बाद महिला का ऑपरेशन किया गया तो उसमें धारदार कैंची की जगह ऑपरेशन के दौरान रोकने में प्रयोग की जाने वाली चिमटी निकली है, जिसे मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप कहते हैं। खास बात यह है कि इसी कमला राजा अस्पताल में 20 फरवरी 2023 में हुए एक ऑपरेशन के दौरान पीड़ित महिला के साथ की लापरवाही की गई थी। अब इस पूरे मामले में जेएएच प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है और जिस डॉक्टरों की टीम ने 2023 में महिला का ऑपरेशन किया था उनसे जानकारी मांगी गई है। दरअसल भिंड जिले के महगांव के सौधा गांव की रहने वाली कमला देवी को पेट में कैंची रह जाने की शिकायत पर जेएएच समूह के कमला राजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया लेकिन महिला के पेट में कैंची की जगह एक चिमटी निकली है। इसका उपयोग ऑपरेशन के दौरान खून रोकने के लिए किया जाता है, जिसे मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप कहते हैं और इस पर कैंची जैसी कोई धार नहीं होती है। खास बात यह है कि इसी अस्पताल में 20 फरवरी 2023 को पीड़ित महिला कमला का ओवरी में कैंसर की गठान का ऑपरेशन किया गया था। इस समय डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप महिला के पेट में रह गई थी। हालांकि इस लापरवाही पर जयारोग्य अस्पताल समूह के अधीक्षक ने जांच के आदेश देते हुए गायनिक विभाग से पीड़ित महिला के पूर्व के ऑपरेशन के सभी दस्तावेज और ऑपरेशन में शामिल लोगों की जानकारी मांगी है। अधीक्षक का मानना है कि पूर्व के ऑपरेशन में चूक तो हुई है, क्योंकि ऑपरेशन में प्रयोग आने वाले औजारों की पहले और ऑपरेशन के बाद गिनती की जाती है। शायद यहीं पर किसी से गलती हुई जो अब जांच का विषय है। कैंची नहीं होती है, क्योंकि कैंची शरीर के ऑपरेशन के अंदर उपयोग में नहीं आती है। वो जब सीरा लगाते हैं तो ऑपरेशन के समय कुछ जो खून की नसें खून देती हैं उनको पकड़ने के लिए आर्टरी फोर्सेप यूज करते हैं, तो वो एक मस्किटो आर्टरी फोर्सेप है, जैसे कई उपयोग में आते हैं। तो कई बार चूंकि वो कैंसर का मरीज रहता है तो काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ऐसी स्थिति में कई आर्टरी फोर्सेप उपयोग में आते हैं। नॉर्मल प्रक्रिया में यह है कि जितने उपकरण उपयोग होते हैं उनकी सबकी गिनती रखी जाती है, परंतु हो सकता है कि कभी इस तरह का कुछ वाकया हुआ हो, परंतु ये चूंकि ऑटोक्लेव रहती है और स्टील की बनी होती है तो शरीर में सामान्य तौर पर इनका कोई नुकसान इसलिए नहीं होता कि चूंकि मैं खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन, हम लोग स्टील के कई रॉड प्लेट हम लोग लगाते रहते हैं, वो ऐसा संज्ञान में आया था तो हमने तत्काल निर्देश किया और उसका दोबारा ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया गया। सर आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, चूंकि गिनती के आप तो अभी इस पे हमारे संज्ञान में जो आया है उसको लेके एक नोटिस इशू करके कि कब सर्जरी हुई थी, किसके द्वारा की गई थी और कौन वहां पर इस कार्य के लिए निर्धारित था, उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी लेंगे, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। पीड़ित महिला कमला देवी के परिजन पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से परेशान थे। फरवरी 2023 में ऑपरेशन करने के बाद जब वो वापस अपने घर चले गए, उसके बाद महिला को बीचों बीच में कई बार पेट में दर्द की शिकायत हुई, लेकिन हर बार क्षेत्र के आसपास के डॉक्टरों से दवा ले ली गई। लेकिन जब तकलीफ ज्यादा बढ़ गई तब कहीं जाकर महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जिसमें पेट में कैंची जैसा औजार नजर आया। फिलहाल परिजन लापरवाही करने वाले स्टाफ और डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 2 साल पहले उसको ओवेरियन कैंसर बताया गया था जांच में, तो हमने पहले कैंसर का इलाज कराया, बहुत महंगा इलाज हुआ, वो भी आप जानते हैं कैंसर का कितना इलाज होता है, ठीक है, मेरा बहुत सारा पैसा लगा, तब जाके यहाँ पे ऑपरेशन कराया हमने। 20 फरवरी 2023 को उसका ऑपरेशन हुआ ओवेरियन कैंसर का। उसके बाद में हम छुट्टी करा घर ले गए तो थोड़ा बहुत दर्द कभी कभार होता रहता था, अब की बार दर्द जब ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो मैं ले गया भिंड सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहाँ डॉक्टरों ने सिटी स्कैन लिखा, तो सिटी स्कैन में होने के बाद पता लगा कि इसके अंदर कैंची छोड़ रखी है, बहुत बड़ी लापरवाही है डॉक्टरों की है, मैं तो बर्बाद हो गया बिल्कुल, कहीं का नहीं रहा। ऑपरेशन कराया था पहले आपने? पहले यहीं कराया था कमला राजा में ग्वालियर। कैंची स्थिति है क्या बताया उन्होंने? अब ऑपरेशन करके कैंची निकाली है परसों, मुझे यही बताया गया कि कैंची निकली है अंदर, ठीक है, कैंची मुझे दिखाई तो नहीं है। क्या क्या मानते क्या है, क्या लग रहा है इसमें, किस तरह की लापरवाही रही है? ये लापरवाही तो आप सबको नजर आ रही है, ऑपरेशन न तो मैंने किया न आप में से किसी ने किया, किसी ने तो किया है, ठीक है, डॉक्टरों की लापरवाही है और ये वो उस बात को मान भी रहे हैं, आज के अखबार में खबर आई है, ठीक है, कि लापरवाही है। अब मैं ये चाहता हूँ जिसने भी लापरवाही करी है, ठीक है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।